केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शुक्रवार सुबह राजधानी दिल्ली में पशु महामारी तैयारी पहल और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता परियोजना का शुभारंभ किया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व बैंक के साथ पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए एक सहयोगी परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य दृष्टिकोण का उपयोग करके पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सशक्त पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। इस बीच केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एपी लॉन्चिंग के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से आज एपी यानी एनिमल पेंडेमिक इंसेंटिव को लॉन्च किया गया है, जिसके चलते पशुओं के बीच में जो पेंडेमिक आता है उसकी तैयारी का जिम्मा दुनिया में पहली बार भारत ने लिया है, जो हर भारतवासी के लिए फख्र की बात है, क्योंकि कोविड के बाद से सबको ये एहसास हो चुका है कि धरती पर हर किसी का स्वास्थ्य रहना जरूरी है, क्योंकि सृष्टि खुश होगी तभी मानव भी तंदुरुस्त रह पाएगा। आज जो एपी एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव का प्रारंभ किया गया है, इसी के चलते जो पेंडेमिक पशुओं में आते हैं उनके लिए तैयारी करने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दुनिया में पहली बार भारत ने लिया है, ये हमारे सबके लिए फख्र की बात है। अब जो हम कोरोना के बाद पूरे विश्व को ये पता लगा है और अवेयरनेस भी बढ़ा है कि हमारे आसपास के प्राणी पशुपंखी वो तंदुरुस्त होंगे तो ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला ने आगे कहा कि इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज विभाग द्वारा एपी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें मेडिसिन टीम वर्क वैक्सीन इंस्टीट्यूट से लेकर सभी की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है, ताकि किसी भी पेंडेमिक का सामना किया जा सके। और राहत की बात तो ये है कि इस पर होने वाला सारा खर्चा सरकार देख रही है, जिसमें WHO और वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग सरकार को प्राप्त है। हमारे देश के पशुपालकों को तो इसके इनके बहुत ही बेनिफिट इसलिए हो सकते हैं कि कोई पेंडेमिक का कहीं पे भी आगाह हो रहा है तो उसको अर्ली डिटेक्शन का इसमें सिस्टम से पता लग जाएगा। डिटेक्शन का सिस्टम लग जाने से इसको रिस्पोंड करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, और अभी से हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इनके लिए वैक्सीन मेडिसिन वगैरह के प्रिपेयर करने के लिए, उनके स्टॉक के लिए, इन सारी सावधानियां करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे पशुपालकों को ये पैंडेमिक हो जाने के बाद जो लॉस का सामना करना पड़ता है उससे उनको बचाया जा सके। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पशुपालकों और पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि किसी भी पेंडेमिक का सामना करने के लिए सरकार पूरे तरीके से तैयारी में जुट गई है, जिसमें पशु चिकित्सालयों और औषधियों का विकास बड़े स्तर पर किया जाएगा। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।